हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। सो यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं अपना सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का लेक्चर स्टार्ट। आज से हमारी सीए फाउंडेशन के लिए क्लास रहेगी और इसकी कुछ क्लासेस लगभग 8 से 10 क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। बाकी का पूरा जो भी हमारा सिलेबस रहेगा ये पूरा आपको साक्षर ऐप पे मिल जाएगा बेटा। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि आने वाले कितने टाइम में, हम आज ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये कितने टाइम तक मैम चलेगा, कितने टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में किस तरह से हमें परफॉर्मेंस देना होगा, क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा एंड साथ के साथ क्या क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होगा। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड फॉर मी। तो फर्स्टली आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स इन दिस क्लास बिफोर स्टार्टिंग टूडेज क्लास। फर्स्टली आई विल टेक ऑल द डाउट्स जो कि आपके माइंड में चल रहा है। चलो तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन, लिख लेती हूँ मैं, आप सबको भी साथ साथ सब कुछ लिखना है। इवन काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ तो मैं एक एक लिखवाती नहीं हूँ, लिखी हुई देती हूँ। फेस टू फेस में हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, मैं एक एक चीज़ नहीं लिखवाऊंगी, ऑलरेडी चीज़ें बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल मैनर में लिखी है आपको लिखी हुई दूंगी। क्योंकि होता क्या है ना, अभी ऑनलाइन मोड में बेटा मोनोटनस आ जाता है लिखते लिखते। चलो सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट क्या है, साथ साथ बोलिए मेरे, सब्जेक्ट क्या है अपना, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड कमर्शियल नॉलेज। आज से हम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को बेटा बोलेंगे बीसी के, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक सब्जेक्ट है हमारा, पेपर नंबर 4th होता है सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर। इस पेपर के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और इस अपने एक सब्जेक्ट के अंदर कितने पेपर हैं, 2। मतलब कि एक टॉपिक तो हमें पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक टॉपिक हमें पढ़ना है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका वेटेज देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या रहता है। पेपर हमारा आता है 100 मार्क्स का, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है बेटा 60 मार्क्स का एंड बीसी के आता है 40 मार्क्स का। और सभी प्यार से साथ में बोलेंगे जय माता दी। बीसी के आता है 40 मार्क्स का, 60 क्वेश्चंस होते हैं, लिखिए साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बेटा 60 और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 और मार्क्स होता है प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क ईच क्वेश्चन। चलो इतनी बातें समझ आ रही हैं। 60 क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 40 क्वेश्चन बीसीके का, एक एक मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। लेकिन 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 अगर आप गलत कर दोगे तो आपके लिए बेटा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 0.25 पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करा एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो मिलेगा कुछ नहीं, उल्टा 0.25 चला जाएगा। चलो तो यहाँ पे जो गोली गोले भरने हैं, कभी आँख बंद करके नहीं भरने, यहाँ पे आँख बंद करके कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सब कुछ भर भर के आना चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में बच्चा पछताने लग जाता है। चलो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा मैम, सब्जेक्टिव रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इस पर अब हम विचार विमर्श कर लेते हैं। पेपर का पैटर्न रहता है बेटा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा पेपर MCQ बेस्ड होता है। टोटलिटी में 4 पेपर होता है, 4 पेपर में आपका 2 पेपर सब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। मैथ और इको की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 100% ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें से मेरा सब्जेक्ट इज व्हाट, इकोनॉमिक्स। अब तो बात पता चली गई होगी, चलो आ जाओ। ये आपको समझ आया पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न आप सभी को समझ आ गया अच्छे से।
अब बात आती है मैम, कितना नंबर ऑफ लेक्चर्स आप हमें दोगे, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। देखो, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो आप सबको पता होगा जो मुझसे क्लासेस ले चुके हैं, 2 आवर की हम क्लास रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम अपने क्लास का ड्यूरेशन कर देते हैं 1 आवर। जब हम 2 आवर की क्लास रखते हैं बेटा, तो हमारे लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 लेक्चर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ये मैक्सिमम है, मिनिमम 35 ही जाता है, 35-38 में हो जाता है, पर मैक्सिमम लगते हैं 40 लेक्चर्स प्लस 20 लेक्चर्स मैक्सिमम, वैसे 15-18 में हो जाता है, बट मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख रही हूँ ताकि कोई डाउट ही आपके मन में ना रह जाए। अगर एक्सटेंड होता भी है तो कितना एक्सटेंड होगा, 20 लेक्चर लग जाता है हमारा BCK में। अब यहाँ पे आप सब समझ सकते हो, ऑनलाइन क्लास है तो ऑब्वियसली सब कुछ डबल हो जाएगा, यहाँ पे लेक्चर्स डबल हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स का आपको समझ आ गया। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अटेम्प्ट बच्चों का अलग अलग होता है। चलो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, किसी बच्चे का अटेम्प्ट होगा नवंबर में, तो किसी का होगा जाके वापस से जून में। नवंबर 2021 और जून 2022 दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए बैच चल रहा है। आप जिस भी अटेम्प्ट में फॉल कर रहे हो, आप आराम से क्लासेस अपना कंटिन्यू कर सकते हो। थोड़ा सा लास्ट में नवंबर वाले बच्चों को मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगी, कोर्स हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, विद रिवीजन हो जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग हियर, व्हाट विल बी द वे ऑफ टीचिंग, मैं कैसे आपको टीच करूंगी, आपको क्या करना होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। वे ऑफ टीचिंग, साथ साथ लिखते रहिएगा, वे ऑफ टीचिंग। सबसे मेन जो फाउंडेशन लेवल के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI, स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI। अगर कोई CME के बच्चे क्लास कर रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों में ही सेम है। स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, ये रामबाण है, इसे छोड़ दिया ना तो इंस्टीट्यूट आपको छोड़ देगा, इतना याद रखना। जो चीज़ें यहाँ पे बोलूँ ना, गांठ बांध लेना, आगे वाली क्लासेस में मैं वापस कुछ नहीं रिपीट करूँगी, वापस हम अपना एक करिकुलम फॉलो करेंगे, जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे सिलेबस हैं, जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वी विल फोकस ऑन दैट। बट इन टूडेज क्लास हम पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम आज क्या करेंगे, हम अपने आने वाली जर्नी में क्या करेंगे, हमारी जर्नी कितना ब्यूटीफुल रहने वाली है, हमें उसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल हमें फॉलो करना होगा ICAI वाला। सेकंड, हैंड रिटन नोट्स होता है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगी, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स है, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स है, मज़ा ही आ जाएगा। चलो एक बार दिखा देती हूँ, डिमांड PSR, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दिस इज द हैंड रिटन नोट्स जो कि मैं आपको देने वाली हूँ, प्रॉपर पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स है। हम ICAI के स्टडी मटेरियल को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, साथ की साथ हम इस हैंड रिटन नोट्स से अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाएंगे, क्योंकि ICAI के मैटर में इतना लिखा है, उतना याद रहना पॉसिबल नहीं होता। एक स्टूडेंट के शूज़ में अगर पैर डाल के एक फैकल्टी सोचेगा तो समझ आएगा कि वो फिजिबल नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल का हर एक पॉइंट बेटा लर्न कर सको। तो कोई तो ऐसा मैटर हो जितना लर्न हो जाए, पक्का पक्का क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाए, यस, तो वो मैटर पूरा का पूरा हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, ये पूरा का पूरा हैंड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। चलो, तो समझ क्या आया, समझ सिर्फ इतना ही आया कि मैम, एक तो हमें ICAI के मॉड्यूल पे बहुत फोकस्ड रहना है, दूसरी बात ये जो आपके हैंड नोट्स हैं इस पे हमें अपनी पकड़ बनानी है, लिख लो आज की क्लास में, इस पे हमें पकड़ बनानी है अपने। इसके बाद डेली बेसिस पे मैं आऊँगी, 1 आवर का हमारा बेटा लेक्चर रहेगा। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस. देखो इसका नाम ही क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. अब से मैं इसको कॉल करूंगी DPPs. आई विल प्रोवाइड यू और DPPs ऑन डेली बेसिस आफ्टर द क्लास. जैसे ही क्लास खत्म हुआ, क्लास में आपको क्या पढ़ाया, आपको क्या समझ आया, सिर्फ पढ़ा या कुछ समझा? अगर समझा है तो DPP सॉल्व करो. DPP सॉल्व करोगे, इंस्टेंट चेक होके इंस्टेंट ऑन स्क्रीन आपको रिजल्ट मिल जाएगा. आपको पता लगेगा कि जो टुडेज क्लास रही वो आपके लिए कितना इफेक्टिव था. ठीक है, मैंने अच्छा पढ़ाया, फैकल्टी कोई बुरा नहीं पढ़ाता, फैकल्टी सारा अच्छा पढ़ाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चा कितना पकड़ पाता है. चलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. इसी के साथ प्यार से बोलेंगे जय माता दी. तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कहाँ पर मिलेगी? साक्षर एप्लीकेशन. प्ले स्टोर पे जाके बेटा इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना. साक्षर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, जाके इसे डाउनलोड कर लेना. वहां पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम अवेलेबल है. बैच के अंदर आपको डेली बेसिस पे इसे सॉल्व करना है. उसके बाद बात आती है, मैम क्लासेस चल रहे हैं, साथ साथ DPP चल रहे हैं. ये हो गया बेटा आपका क्लास, ये हो गया DPP. क्लास किया, DPP किया, क्लास किया, DPP किया. एक चैप्टर ख़त्म हो गया. जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा आपको मिलेगा पार्ट टेस्ट. पार्ट टेस्ट, हर एक चैप्टर का पार्ट टेस्ट बना हुआ है. वो पार्ट टेस्ट आपको करना होगा, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. जैसे आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो 2-3 चैप्टर को मिला के एक टेस्ट और मिलेगा, जिसे बोला जाता है फुल टेस्ट. तो फुल टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसको भी आपको सॉल्व करना होगा. इंस्टेंट रिजल्ट आपके साथ आएगा विद नेगेटिव मार्किंग. दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द साक्षर एप्लीकेशन, जो कि आई थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अभी नहीं मिल रहा होगा. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो अवेलेबल ही नहीं है. चलो, तो क्या समझ आया कि मैम हमें पार्ट टेस्ट करने होंगे. पार्ट टेस्ट कैसे होंगे बेटा? चैप्टर वाइज होंगे. चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं. इस तरह से आपके अराउंड हो जाएंगे 20 के अराउंड, 20-25 आपके टेस्ट हो जाएंगे पार्ट टेस्ट. उसके बाद आपको करना होगा फुल टेस्ट. फुल टेस्ट कैसा होगा? सपोज आपके इकोनॉमिक में 6 चैप्टर हैं, मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चैप्टर हैं. तो इन 2 को मिला के एक बार ले लिया, इन 2 को मिला के एक बार ले लिया, इन 2 को मिला के इस तरह एक बार ले लिया. इसे बोलते हैं फुल टेस्ट. फुल टेस्ट आपके मैं लेती हूँ 6. इसके बाद होता है बेटा ऑल इंडिया टेस्ट. सबसे रामबाड़ इलाज ऑल इंडिया टेस्ट. ऑल इंडिया टेस्ट, ये टेस्ट क्या होगा? ये टोटल 4 टेस्ट देती हूँ. इसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूट का पैटर्न फॉलो किया जाएगा. फुल सिलेबस का पेपर होगा ये. जब आपके पेपर आने वाले होंगे, जस्ट उससे एक मंथ पहले हम ये टेस्ट रखते हैं अपने. आप चाहो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आके टेस्ट को दे सकते हो. आप चाहो तो इसको हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी दे सकते हो, और आप चाहो तो ऑनलाइन भी इन टेस्ट को आप दे सकते हो. प्रॉपर ICI के पैटर्न पे है. ICI किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है? सारा क्वेश्चन टफ तो नहीं हो जाता, ना ही सारा क्वेश्चन इजी होता है. कुछ टफ होता है, कुछ इजी होता है. तो जो पैटर्न वहाँ पे रहा है, सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे. तो उसी पैटर्न पे आपके टोटल टेस्ट कितने होंगे? 4. कैसा ICI का माहौल रहेगा? आपको एग्ज़ाम के अंदर कितने आर तक मतलब बैठे रहना पड़ता है? उतना बैठ पाते हो कि नहीं बैठ पाते हो? एक एक कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है उसकी बैठने की कैपेसिटी नहीं होती, वो टेस्ट कहाँ से सॉल्व करेगा? तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा ऑल इंडिया टेस्ट से. चलो, इतनी बातें समझ आती हैं? यस. अगर आती हैं तो सभी साथ में बोलो जय माता दी. चलो आगे बढ़ जाती हूँ मैं. वे ऑफ टीचिंग हो गया हमारा बेटा, अटेम्प्ट हो गया, नंबर ऑफ लेक्चर आपको समझ आ गया. अब आइए थोड़ा सा समझते हैं सब्जेक्ट की बातें. थोड़ा सा समझते हैं सब्जेक्ट की बातें. कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, मैसेज मेरे पास आया कि मैम
क्या इकोनॉमिक्स में अमेंडमेंट्स वगैरह भी हैं? जो भी अमेंडमेंट्स होगा सब ऑलरेडी इन बिल्ट है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इकोनॉमिक्स में एज सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आते, बट हाँ इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल चेंज कर देती है, डिफिनीशंस चेंज कर देती है, कोई टॉपिक हटा देती है, कोई टॉपिक न्यू इंसर्ट कर देती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हम प्रॉपर 100% न्यू चीज़ें पढ़ेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी मटीरियल ऑफ द ICAI प्लस हैंड रिटन नोट्स मेड बाय कंचन गुप्ता। चलो तो सब्जेक्ट की नॉलेज अभी लेते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट की नॉलेज लेने से पहले एक नॉलेज मैं आपको और दे देती हूँ अपने बारे में, जो आप सबको चाहिए होगी डेफिनेटली। तो अपने बारे में मैं आपको बता देती हूँ हु आई एम। चलो लिख लो, इसे मत लिखने लग जाना। तो मैं CA कंचन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एट फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी, नाउ अगेन आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ GST, बोले तो टैक्सेशन। मैं GST का क्लासेस लेती हूँ इंटर लेवल पे, CA CMA इंटर, CA CMA फाइनल। दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट विच आई टीच। बात समझ आती है? यस। और मैम और बता दीजिए अपने बारे में। चलिए जी और सुन लीजिए। यस, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ GST हैंडल करती हूँ, GST का कंसल्टेंसी, सब कुछ GST से रिलेटेड ही हम हैंडल करते हैं। ऊपर से आई एम ऑल्सो द ऑनर ऑफ द साक्षर इंस्टीट्यूट। साक्षर प्लेटफॉर्म हमने अभी लॉन्च किया है। एक अच्छी बात आपको बता देती हूँ कि ये जो साक्षर प्लेटफॉर्म है सिर्फ CA CMA CS के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो 11 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, JEE Mains JEE Advanced की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर NEET की प्रिपरेशन, या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट की, CTET की, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर तरह के बेस्ट ट्यूटर्स आपको साक्षर प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। चलो, साक्षर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज लेड बाय IITN, NITN एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मी। अब आगे हम लेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज। अब आज के बाद आई विल नेवर रिपीट हु आई एम। अब आप सब मुझे जान ही गए होगे, धीरे धीरे और जान जाओगे। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की बेटा, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पढ़ के ही आपको पसंद नहीं आया ये वर्ड, मैम बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम मैम आपको पता है 11 12th करते थे, हमारे माइंड में ये आता था हमें कभी ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें मैथ पढ़ने को मिलेगा, वाह वाह वाह, हमें अकाउंट्स पढ़ने को मिलेगा, हमें टैक्स पढ़ने को मिलेगा, वाह मैम मज़ा ही आ जाता। बट आप ये क्या बोरिंग सा नाम यहाँ पे लिख रहे हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या ये हम पढ़ें? क्या ये जरूरी है मैम एक CA को इकोनॉमिक्स आनी चाहिए? 11 12th में हमने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा था मैम। अगर वो हम 11 12th में पढ़ रहे हैं, क्या CA भी वही सब पढ़ता है? इकोनॉमिक्स की CA को क्या जरूरत पड़ गई? CA का काम होता है अकाउंटिंग टाइप्स मैम, अकाउंटिंग वर्क, ऐसा ऐसा कुछ काम होना चाहिए ना जो अकाउंट से रिलेटेड हो, जिसमें माइंड का बहुत यूज हो। तो वहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसी चीज की क्या जरूरत पड़ गई? ICAI हमें CA फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCA क्यों पढ़ा रहे हैं? चलो सुनो, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी आपको माइंड की यूज करना पड़ेगा, खूब अच्छे से आपका यहाँ पे भी माइंड यूज होगा। सबसे पहले बेटा आप मुझे बताइए, आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ, कि एक CA क्या क्या करता है? क्या एक CA का काम सिर्फ अकाउंटिंग करना होता है? सच बात बोल दूँ जो 100 आना सच है, कि एक CA कभी अकाउंटिंग करता ही नहीं है। CA तो अकाउंटेंट के द्वारा की गई अकाउंटिंग का रिव्यू करता है। अकाउंटिंग इज अ क्लरिकल वर्क, दिस इज नॉट द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA तो कुछ बड़ा काम करता है। CA क्या करता है बताओ जल्दी से? मैम CA ऑडिट करता है। यस, फील आई ना CA वाली? CA टैक्सेशन का काम करता है।
सीए और क्या करता होगा सोचो मैम, प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाता है, मर्जर एंड एक्विजिशन कराना है, वैल्यूएशन कराना है, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करानी है अपने क्लाइंट की, ये सब काम किसके होते हैं? सीए के। और बताइए मैम, असेसमेंट चल रही है, केस को रिप्रेजेंट करना है, छापा पड़ गया, रेड पड़ गई घर में, स्क्रूटनी लग चुका है, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ये वर्ड तो समझते हो ना, ऑडिट, सीए में आ रहे हो, ये वर्ड नहीं समझ आया तो बेकार है सीए में आना। ऑडिट क्या होता है? एक बिजनेस की जांच पड़ताल करना, बिजनेस के अंदर बिजनेस के ओनर के द्वारा जो भी बही खाते तैयार किए गए हैं, जो भी अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, जो भी काम चल रहा है, वो सब एक लॉ के कंप्लाइंसेस के अगेंस्ट तो नहीं है? लॉ को कंप्लाइंस तो कर रहा है, लॉ के सभी कंप्लाइंसेस पूरे तो हो रहे हैं। ये काम होता है ऑडिटर का, कि जो कंपनी है, सपोज साक्षर इंस्टीट्यूट है, तो ऑडिटर जब यहाँ पे आएंगे तो वो क्या चेक करेंगे कि साक्षर इंस्टीट्यूट ने इतना 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 खर्चा दिखा रखा है, स्टाफ की सैलरी इतनी दिखा रखी है, क्या एक्चुअल में साक्षर इंस्टीट्यूट स्टाफ को इतना सैलरी दे रहा है? साक्षर इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स में इतना रेवेन्यू आ रहा है, क्या सच में इतना रेवेन्यू एक्चुअल में लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं रेवेन्यू कम दिखा दिया हो? हर एक चीज को क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस एक्टिविटी इज नोन एज ऑडिट। अब जब मेरे इंस्टीट्यूट में कोई ऑडिट करने आएगा, तो वो ऑडिट करेगा तब जब उसे मेरे बिजनेस की क्या होगी? नॉलेज होगी। जब उसे मेरे बिजनेस की नॉलेज होगी, अगर उस ऑडिटर को मेरे बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होगा, तो क्या वो ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा? नो, नॉट एट ऑल, वो कभी ऑडिट परफॉर्म कर ही नहीं सकता। हम जिसके यहाँ जा रहे हैं, हमें पता तो हो कि उसका तौर तरीका क्या है काम करने का, उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उनके बिजनेस का नेचर क्या है, उनके बिजनेस का लेवल क्या है, उनका टर्नओवर कितना होता होगा, उनका मार्केट ग्रोथ क्या है, उनका मार्केट रेट क्या चल रहा है, सारी चीज़ें एक सीए को पता होनी चाहिए कि नहीं? यस, अगर ये सब पता होगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस सीए को उनके बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज है। नाउ दिस सीए इज एलिजिबल फॉर द ऑडिटिंग। आगे आइए, तो आपने क्या देखा कि बेटा, जब भी आप बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो, आपकी आपको क्या होनी चाहिए? बिजनेस की नॉलेज। अब बिजनेस की नॉलेज मिलने के लिए एक सब्जेक्ट आपके पास आ गया, बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। समझ आ गया चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, साफ सीधी सी बात है, 11th 12th में जो आप पढ़ते थे ना, उसे क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स। बट नाउ हियर द वर्ड इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हियर नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, वो किसके रिलेशन में पढ़नी है? बिजनेस के रिलेशन में। देखो, एक बिजनेस एक इकोनॉमी के अंदर ही फूलता पनपता है और उसी में मर जाता है। यस एक बिजनेस जो सरवाइव करता है, एक इकोनॉमी के अंदर करता है। अगर एक सीए को उस बिजनेस के इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं होगा, उस बिजनेस के प्रॉपर प्लेस का नॉलेज नहीं होगा, बिजनेस की इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं होगा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या इकोनॉमी में पीक चल रहा है या इकोनॉमी गिरी पड़ी है, क्या चल रहा है इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जीडीपी क्या चल रहा है, एक सीए को जब तक ये नहीं पता होगा बेटा, वो बिजनेस को समझ ही नहीं पाएगा। एक सीए का काम होता है फाइनेंशियल एडवाइस देना। क्या काम होता है सीए का? एक काम और लिख रही हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस देना। आप फाइनेंशियल एडवाइस देने किसको जाओगे? मैम बिजनेस को जाएंगे। लेकिन आप बिजनेस को फाइनेंशियल एडवाइस कब दे पाओगे? जब यू हैव नॉलेज अबाउट द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होगा, तो क्या आप एडवाइस दे पाओगे? नो, वापस घर आ जाओगे, अपने भी नाम पे धब्बा लगवाओगे, आईसीआई के नाम पे भी। इसीलिए बोला गया है,
अगर आप बिजनेस को फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहते हो, फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहते हो, बिजनेस एडवाइस देना चाहते हो, मार्केट एडवाइस देना चाहते हो, तो जरूरी है बेटा कि आपको पता हो कि वो एनवायरनमेंट कैसा है जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस जन्म ले रहा है। आपसे पूछ रहा है एक बिजनेस का मालिक, ही बताओ जी मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में बेचा जा सकता है? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मैं इतनी रखूँ या क्या रखूँ? मैं इस प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में ले जाके बेचूँ? क्या ये प्रोडक्ट मेरा लोगों को पसंद आएगा? क्या इसमें मेरा मार्केट कैप्चर कर पाऊँगा? ये सारी बातें आप बिजनेस के ऑनर को कब आंसर करोगे? जब आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट का, बिजनेस के इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अभी समझ आया कि हमें बिजनेस नॉलेज क्यों पढ़ना है, बीसी के क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें बिजनेस का नॉलेज चाहिए। हम बिजनेस के साथ डील करने वाले हैं, बिजनेस के अंदर खेलने वाले हैं। हमें यही नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है तो हम कैसे आगे बढ़े। प्लस बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस जिस माहौल में फलता फूलता है, हमें वो चीज़ भी तो समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये बेसिक बेसिक बातें होती हैं समाप्त और हम मूव कर गए हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स पर। एंड बीसीके पर, बिजनेस इकोनॉमिक्स पर एंड बीसीके पर। चलो सबसे पहले मैं पढ़ाती हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 60 नंबर का पेपर में आता है। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट बीसीके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे चैप्टर्स हैं, काफी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहला चैप्टर बेटा जो मैं उठाऊंगी, दैट इज डिमांड। चलो एक बार चैप्टर समझते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक चैप्टर आपके सिलेबस में आता है बेटा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसे पढ़ के मजा आ जाए। इंट्रोडक्शन तो मैं आपको मुंह बोली अभी 4 से 5 मिनट में बताऊंगी, फिर आएंगे एक दिन इस पे भी लौट के। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्योर थ्योरेटिकल, बट इसकी अभी जरूरत नहीं है। मेरे पास आ गए हो ना, मुझ पे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि लिंकेज कैसे बनेगा, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना चाहिए, किस चैप्टर को पहले करना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में करना चाहिए, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब मेरा हेडेक है, आपका कुछ भी नहीं है। आपका हेडेक इज व्हाट, कि जो मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसका डीबीपी सॉल्व करो, और अगर डीबीपी सॉल्व कर लिया है तो रिजल्ट को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। रिजल्ट शेयर करोगे तो आपको मिलेगा एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट, जिससे मैं आपको बताऊंगी कहां पे आप वीक हो, आपको कहां पे खुद को इवैल्यूएट करना है। चलो तो इंट्रोडक्शन के बाद एक चैप्टर आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। ये एक चैप्टर के अंदर दो यूनिट्स हैं, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है। इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर आता है बेटा डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड देन सप्लाई, एंड देन सप्लाई। ये एक चैप्टर के तीन यूनिट है, मैं कह सकती हूँ इंडिविजुअली अपने आप में ये तीन चैप्टर्स हैं। आफ्टर देन हमारे पास आता है एक और चैप्टर, कॉस्ट। एक चैप्टर आता है बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ये भी अपने आप में दो यूनिट्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है बेटा मार्केट, फिर एक चैप्टर आएगा प्राइस, फिर एक चैप्टर आएगा बिजनेस साइकिल। कितना हो गया काउंट करो, 3, 2, 5, 7, 3, 10। टोटल 10 चैप्टर मैं आपको कहां पे कराऊंगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। चलो अभी आपने आज क्या समझा, ये चीज पे ध्यान दीजिए।
आज हमने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, आज हमने बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें देखी, बहुत नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना, लाइक कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कितने मार्क्स का आएगा, पेपर के अंदर कितने तरह के टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, दैट इज़ BCK एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर हमने सीखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है 60 नंबर का, BCK आता है 40 नंबर का। फिर हमने क्या सीखा मैम, हमने सीखा कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है, यस 0.25 हमारा नेगेटिव मार्किंग था। फिर हमने सीखा कि वे ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, हमें ICA का स्टडी मेट फॉलो करना है, हमें हैंड नोट्स फॉलो करना है, DPPs डेली करना है, पार्ट टेस्ट करना है, फुल टेस्ट करना है, ऑल इंडिया टेस्ट करना है, वहाँ से आने वाले रिजल्ट को आपको मेरे साथ शेयर करना है, जिसके बेसिस पे आपको मिलेगा PMR परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आई विल एक्सप्लेन यू कि अभी आप कितना पानी में पड़े हो, कितना आपको उठने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने देखा कि एक CA क्या क्या करता है। एक CA सिर्फ ऑडिट नहीं करता, सिर्फ टैक्स नहीं करता, एक CA सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरता, GST का रिटर्न नहीं भरता, एक CA एक असेसमेंट भी हैंडल करता है, स्क्रूटनी भी हैंडल करता है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, बिजनेस को मैनेज करने का एडवाइस देता है, ना जाने कितने काम है जो एक CA परफॉर्म करता है। CA टीचिंग भी करता है, देख लो मुझको। चलो इसके बाद बात आती है बेटा कि हमें क्यों BCK और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक CA को एक बिजनेस के साथ डील करना होता है 24/7। CA का काम बिजनेस से अलग हो ही नहीं सकता। अब जब आपको हर टाइम बिजनेस में रहना है तो फर्स्टली आपको एक बिजनेस का नॉलेज गेन करना होगा, प्लस बिजनेस जिस माहौल में फल फूल रहा है आपको उसका भी नॉलेज गेन करना होगा। फिर हमने देखा सिलेबस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या देखा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल है हमारे पास 10 चैप्टर जो कि हमें सबसे पहले ख़त्म करने हैं, पढ़ने हैं, माइंड में फिट करने हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट BCK, और BCK में सिर्फ है आपके पास टोटलिटी में 6 चैप्टर्स, सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, उसके बाद हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज की मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं ओवर करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिमांड। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।